पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के द्वारा जिलाधिकारी को प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल के दिशा निर्देश में मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया, जिसमें जिला प्रभारी जयदेव यादव के द्वारा मांग की गई कि लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों पर दर्ज मुकदमों की वापसी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 29 जनवरी को और 14 जून को घोषणा की गई थी कि उन्हें वापस ले लिया जाएगा, परंतु सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का मुकदमा वापस नहीं लिया गया और शासनादेश भी अभी तक नहीं आने के कारण व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। जिलाधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें लॉकडाउन के दौरान पूरे प्रदेश के लाखों व्यापारियों पर दर्ज मुकदमों की वापसी, लॉकडाउन के दौरान व्यापार बंद होने के कारण बैंक ब्याज की माफी, बिजली के बिल में छूट और व्यापारी के प्रतिष्ठान का किराया माफ करने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया। इस दौरान जिला प्रभारी जयदेव यादव, महानगर प्रभारी कमल कुमार सक्सेना, मनोज जैन, मोहम्मद रईस, कुलदीप सिंह, राजीव रस्तोगी, संजीव कपूर, मोहसिन अजय गुप्ता, मोंटी कुमार, कमल कुमार, संजय कुमार, अनिल ठाकुर, आशु चौहान, स्पर्श आहूजा, मोहम्मद आदिल, अजय गुप्ता, अजय सक्सेना के साथ और भी लोग उपस्थित रहे। हम मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें लॉकडाउन में लगे व्यापारियों के ऊपर आपदा काल के तहत जो मुकदमे लगे थे उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये तो कहा था कि हम उसको वापस ले रहे हैं, लेकिन कोई भी आदेश पारित नहीं हुआ था। आज तक किसी भी प्रकार का आदेश न होने के कारण हम मुख्यमंत्री जी को याद दिला रहे हैं कि आप अपने जो बयान दिया था उसको वापस लेने के लिए, मुकदमे वापस लेने के लिए आप जल्द से जल्द उस पर आदेश पारित करें, ताकि सभी व्यापारी भाइयों को एक मानसिक जो प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है उससे मुक्ति मिल सके। मुकदमे किस तरह के थे, कोविड-19 का उल्लंघन? उल्लंघन करने के लिए दुकान के लिए या आने जाने पर भी बहुत सी प्रकार के लगे थे मुकदमे, तो उन लोग होंगे करीब पूरे प्रदेश में 2,00,000 लोगों को लिए आदेश पारित हुआ, कहा था उन्होंने, कहा था कि हम इसको हटा रहे हैं, लेकिन हटाए नहीं आज तक। अपने जनपद में हटाने की बात नहीं, हम पूरे प्रदेश में हटाने के लिए कह रहे हैं, हम जनपद की बात नहीं कर रहे, पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, ताकि सारे व्यापारी जितने भी हैं, जो 2,00,000 के करीब हमारे व्यापारी भाई हैं जिन पर मुकदमा लगा था, उनको वापस लेने के लिए हम फिर से उनसे कह रहे हैं, आप इसकी जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र आप इसको वापस लीजिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।